कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ईजी सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलार्म सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है क्लॉक नेम से। उसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको प्लस का आइकन देखने को मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आप यहाँ से टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने के बाद यहाँ से आप मिनट सेट करेंगे। मिनट सेट करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आप अपने अलार्म की रिंगटोन सेट कर लेंगे। रिंगटोन सेट करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको कस्टम पे जाना है। यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आपको रेस्पेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप अपना अलार्म कौन से डेज का लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड आप कोई सा भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे या ऑल डे। यहाँ से आपको बेक होना है। बेक होने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से आपका अलार्म ऑन हो चुका है। फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में बहुत सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक।